हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पैरेंथेसिस चेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं कि 4,86,000 लोगों ने सबमिट किया है और मात्र 28% लोगों ने इसको सही किया है। तो मैं आपको इतना अच्छा से बताऊंगा कि अगर आप भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। तो प्लीज आप ध्यान से देखो, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो, हमारे पास क्या करना है, हमें क्या करना है, एक पैरेंथेसिस दिया होगा, एक ग्रुप ऑफ पैरेंथेसिस दिया होगा। हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो पैरेंथेसिस है वो बैलेंस्ड है या फिर नहीं। अब बैलेंस्ड का क्या मतलब है, देखो, जो सबसे बाद में ओपन होगा, जो सबसे बाद में ओपन होगा वो सबसे पहले क्लोज होगा। जैसे देखो, यहाँ ओपन पहले हुआ है, कर्ली ब्रेसेस, फिर पैरेंथेसिस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे बाद में कौन ओपन हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले कौन क्लोज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। फिर कौन ओपन हुआ है, हमारा ये पैरेंथेसिस, तो कौन कौन क्लोज होगा, पैरेंथेसिस। फिर कौन ओपन हुआ है, सबसे पहले कौन ओपन हुआ है, सबसे पहले कौन ओपन हुआ है, हमारा हुआ है कर्ली ब्रेसेस, तो सबसे बाद में एक क्लोज हुआ, तो ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। वैसे एक और एग्जांपल देखो, यहाँ एक ओपन है पैरेंथेसिस और फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, बाद में हुआ है, तो सबसे पहले एक क्लोज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। लेकिन जो पैरेंथेसिस है इसके लिए तो हमारा कोई क्लोजिंग ब्रैकेट है ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पैरेंथेसिस है वो क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पहले बहुत अच्छा समझाता हूँ और फिर बताता हूँ कैसे आप इसको काफी आसानी से और काफी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे देखो, अगर मैं क्या करना है, ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, फिर ओपनिंग और हमारा क्लोजिंग है, तो सबसे बाद में कौन हमारा ओपन हुआ है, ए ब्रैकेट, तो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट पहले आ गया, मतलब ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड है, इतना बैलेंस्ड है। फिर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट आया है, ये हमारा बैलेंस है, ये हमारा बैलेंस है, जब ये हमारा बैलेंस है तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो इतना हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है, ये हमारा बैलेंस हो गया। फिर हमारा आ गया कर्ली ब्रेसेस ओपन, तो कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये भी हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर हमारा कर्ली ब्रेसेस यहाँ ओपन है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, फिर पैरेंथेसिस ओपन, और जैसे पैरेंथेसिस ओपन हुआ है तो फिर पैरेंथेसिस हमारा क्लोज हो गया, मतलब ये हमारा बैलेंस है, इतना हमारा क्या हो गया, इतना हमारा बैलेंस हो गया। फिर हमारा क्या हुआ, पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस क्लोज, ये हमारा बैलेंस हो गया। और उससे पहले हमारा क्या हुआ था, उससे पहले हमारा हुआ था क्या, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, तो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रहा है, मतलब इतना हमारा बैलेंस हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट से लेकर यहाँ तक, ये हमारा सारा सारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अभी हमारा कर्ली ब्रेसेस, ये बैलेंस नहीं हुआ है, ठीक। फिर हमारा एक ओपनिंग ब्रैकेट है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हमारा बैलेंस हो गया। जब ये बैलेंस हो गया तो हमारा एक और आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट, क्या, कर्ली ब्रेसेस, तो कर्ली ब्रेसेस हमारा यहाँ ओपनिंग था, ये भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। वैसे ही देखो, पहले हमारा ए ओपन है, फिर ओपन, फिर अगर इसमें अगर क्लोजिंग आएगा तो पहले क्या क्लोज होना चाहिए, जो सबसे बाद में ओपन हुआ है, तो हमारा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ क्लोजिंग है। फिर हमारा कौन, इसके पहले वाला, जो ये हमारा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हमारा अब क्या होगा, क्लोज होगा, ये हमारा क्लोज हो रहा है, मतलब यहाँ तक बैलेंस है। फिर सबसे लास्ट में क्या है, सबसे पहले हमारा क्या, कौन ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, तो सबसे लास्ट में भी यही ब्रैकेट है, तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जिस सिक्वेंस में जो सबसे लास्ट में ओपन होगा वो सबसे पहले क्लोज होगा, जो सेकेंड लास्ट में ओपन हुआ है सेकेंड लास्ट में क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा बैलेंस्ड है, ये देखो, एक ओपनिंग ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, अब हमारा क्लोजिंग पहले क्या होगा, पहले हमारा क्लोजिंग हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, हो गया, मतलब यहाँ तक बैलेंस है। फिर हमारा क्या होगा, क्लोजिंग ब्रैकेट, लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स, ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली एक लेना है स्टैक। स्टैक क्यों, अभी मैं बताता हूँ, स्टैक इसलिए लेना है, इसमें मैं क्या करता हूँ, जो टॉप एलिमेंट रहेगा उसको मैं क्लोजिंग ब्रैकेट से आसानी से क्या करूँगा, कंपेयर कर पाऊंगा। इस तरह अगर मैं करने की कोशिश करूँगा तो काफ़ी मेहनत लग जाएगा और होगा भी नहीं। तो मैं क्या करूँगा, जब तक हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा मैं स्टैक में डालते जाऊँगा, तो ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, मैं स्टैक में डाल दिया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, मैं स्टैक में डाल दिया, ये हमारा क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट। जैसे ही हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, ध्यान समझो, जब तक हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है मैं स्टैक में डाल दूंगा, जब तक, जब जब मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को स्टैक के टॉप एलिमेंट से चेक करूंगा कि क्या जो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, ये जो हमारा क्लोजिंग है, तो क्या इस स्टैक का जो टॉप है ओपनिंग ब्रैकेट है। अगर ये हमारा क्लोजिंग है और इससे पहले जो हमारा स्टैक का टॉप है क्या ओपनिंग है, अगर ये ओपनिंग है तभी दोनों हमारा क्या है, आपस में बराबर है, मतलब इसका ये पेयर है, आपस में बराबर नहीं, इसका ये पेयर है। जब ये हमारा क्लोजिंग है, क्लोजिंग, और इसी का ओपनिंग अगर है, तब हमारा क्या कि पहले ये
सबसे बाद में ये हमारा क्लोज ओपन हुआ है, तो सबसे पहले ये हमारा क्लोज होगा। तो मैं चेक करूंगा क्या जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट और जो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है ओपनिंग ब्रैकेट है, अगर है तो मैं इस एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो मैं देख रहा हूँ यस, ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, इसको हमने क्या किया यहाँ से रिमूव कर दिया और फिर आगे बढ़ गए। फिर मैं चेक करूँगा क्या जो, फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, और जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा मैं स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसको चेक करूँगा क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट है। यस है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, तो मैं क्या करूँगा इसको भी रिमूव कर दूंगा, मैं क्या करूँगा इसको भी रिमूव कर दूंगा। तो इसे हम क्या समझ रहे हैं कि जब तक मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिलता रहेगा मैं स्टैक में डालते रहूँगा, जैसे ही मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो मैं जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है उसको कंपेयर करूँगा कि क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट है। अगर ओपनिंग ब्रैकेट है और हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है, मतलब एक पेयर फॉर्म हो रहा है, तो इनको निकालो। फिर मैं क्या करूँगा आगे बढ़ूंगा, ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग मैं इसमें डाल दूँगा। फिर मैं यहाँ आया, ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो मैं स्टैक के टॉप टॉप एलिमेंट चेक करूँगा क्या ये ओपनिंग है और ये हमारा क्लोजिंग है, हाँ पेयर फॉर्म हो रहा है, इसको रिमूव कर दो। फिर मैं आगे जाऊँगा, ये ओपनिंग ब्रैकेट है इसमें मैं डाल दूँगा, ये ओपनिंग ब्रैकेट है इसमें मैं डाल दूँगा, ये ओपनिंग ब्रैकेट है इसमें मैं डाल दूँगा, एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो मैं स्टैक के टॉप में चेक करूँगा क्या ये एक ओपनिंग है, हाँ ओपनिंग है, तो इसको रिमूव कर दूँगा। फिर मैं आगे जाऊँगा, ये हमारा ओपनिंग है तो ओपनिंग को मैं डाल दूँगा। फिर हमारा एक क्लोजिंग है, जैसे ही क्लोजिंग आया तो मैं स्टैक के टॉप को चेक करूँगा क्या ये ओपनिंग है, हाँ ओपनिंग है, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा। फिर मैं आगे जाऊँगा, ये हमारा क्लोजिंग है, जैसे ही क्लोजिंग आया तो मैं स्टैक के टॉप एलिमेंट को चेक करूँगा, ये तो हमारा रिमूव हो गया है, टॉप एलिमेंट क्या है ओपनिंग है, हाँ ओपनिंग है, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा। फिर मैं आगे जाऊँगा, ये हमारा ओपनिंग है तो ओपनिंग को मैं यहाँ डाल दूंगा, ये हमारा क्लोजिंग है, जैसे ही क्लोजिंग आया मैं स्टैक के टॉप को चेक करूँगा क्या है ओपनिंग है, हाँ ओपनिंग है, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा। फिर मैं इसको क्या करूँगा, एक क्लोजिंग ब्रैकेट, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो मैं चेक करूँगा जो स्टैक का टॉप है, अभी टॉप हमारा ये बचा हुआ है, एक ओपनिंग है, हाँ ओपनिंग है, मैं इसको मैं रिमूव कर दूंगा, मतलब स्टैक हमारा क्या होगा एम्प्टी। अगर लास्ट में हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, मतलब क्या सारे के सारे जो पैरेंथेसिस थे वो क्या है, बैलेंस्ड है। अगर इसमें कोई भी एलिमेंट रह गया तो बैलेंस्ड नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे देखो मैं क्या करूँगा, जैसे ये हमारा मैं इसको रख लेता हूँ, जैसे मैं आपको ऐसा रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब तक हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है मैं इसमें डाल दूंगा, इसमें डाल दिया, ये भी हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, मैं इसको भी डाल दिया, ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या जो इसके स्टैक का टॉप है ओपनिंग ब्रैकेट है। यस ओपनिंग ब्रैकेट है, लेकिन ये हमारा क्या है स्क्वायर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि अगर स्क्वायर कोई क्लोजिंग ब्रैकेट है तो ओपनिंग भी स्क्वायर ब्रैकेट ही रहना चाहिए ना, लेकिन ये तो सिर्फ हमारा पैरेंथेसिस है, ये हमारा सी पैरेंथेसिस है। जब सी पैरेंथेसिस है तो मैं क्या करूँगा, सी पैरेंथेसिस तो मैं क्या करूँगा, मैं देख लूँगा अरे यार ये तो बैलेंस है ही नहीं, अरे तो बैलेंस ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो हमें, यहाँ हमारा जो ब्रैकेट है ये हमारा सिर्फ ब्रैकेट है, सिर्फ ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, लेकिन ये हमारा क्या है स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट अगर क्लोज हो रहा है तो इससे पहले स्क्वायर ब्रैकेट कहीं ओपन भी तो होना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं हुआ है, तो मैं आंसर क्या कर दूंगा यहाँ फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो चलिए मैं आपको एक बार और ड्राई रन करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ आपको समझ में आए, ठीक है। तो देखो जैसे ए आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे आपके पास ए एग्जाम्पल है, ठीक है, तो क्या करना, जैसे सी प्लस प्लस का कोड है, मैं क्या करूँगा एक स्टैक बना लूंगा, स्टैक जब तक आपको क्या मिल रहा है, जब तक आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट आप इसमें डालते जाओ, ठीक है। मैं पहले इसको डाल दिया, फिर मैं इसको डाल दिया, फिर मैं यहाँ गया, हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। जैसे हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो मैं क्या करूँगा, जो टॉप का एलिमेंट है, मतलब जो टॉप का ए है, और जो एक्स ऑफ आई, एक्स ऑफ आई क्या है, ए, एक्स ऑफ आई हमारा ए है, ए, इन दोनों को मैं क्या करूँगा चेक करूँगा, चेक करूँगा तो आएगा यहाँ आ गया ए, यहाँ बी, मैं चेक करूँगा अगर जो ए है, अगर ए ब्रैकेट है, अगर सी ब्रैकेट पैरेंथेसिस है और बी क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तब मुझे ट्रू रिटर्न करना है। तो मैं देख रहा हूँ हाँ ये दोनों पैरेंथेसिस, मुझे ट्रू रिटर्न करना है, और जैसे ही मैं ट्रू आएगा तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं ट्रू आएगा तो मैं क्या करूँगा पॉप कर दूंगा, तो इसको हमने पॉप कर दिया, ख़त्म। फिर मैं आगे जाऊंगा और फिर मैं चेक करूंगा ये हमारा क्या है, ये हमारा फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ आएगा, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ आएगा। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ ए का ओपनिंग ब्रैकेट है और बी क्लोजिंग ब्रैकेट है, दोनों बराबर है, मतलब दोनों है, अगर एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग है, दोनों दोनों कर्ली ब्रेसेस ही है, तो मुझे ट्रू करना है, ट्रू होगा तो पॉप करना है, तो पॉप हमारा ये हो गया। फिर हमारा ये ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, मैं इसको इसमें डाल दूँगा। फिर हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आया, जैसे ही हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो मैं क्या करूँगा,
हमारा ओपनिंग ब्रैकेट ए है और क्लोजिंग ब्रैकेट ए है, तो ए हमारा ए स्क्वायर ब्रैकेट है, ए हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, तो बी हमारा, देखो यहाँ बी हमारा कर्ली ब्रेसेस है लेकिन बी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, ए हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, राइट, ए हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि नहीं है, जो कि हमारा नहीं है, ये हमारा क्या है, मैं क्या करूँगी, कैर ए को भेज रहा हूँ, ए मतलब क्या, टॉप, टॉप को भेज रहा हूँ, और मैं बी में क्या भेज रहा हूँ, इसको भेज रहा हूँ, दोनों बराबर नहीं है, बी हमारा कर्ली ब्रेसेस नहीं होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन यहाँ तो कर्ली ब्रेसेस है तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो जैसे ही हमारा एक ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, मैं फॉल्स को यहाँ रिटर्न कर दूंगा और मैं देख रहा हूँ कि हाँ ये हमारा जो पैरेंथेसिस है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और सेम टू सेम यही कोड आपको जावा में देखने को मिलेगा, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, जब तक हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है मैं इसमें डालता जाऊँगा, जैसे मुझे क्लोजिंग मिला तो मैं इज मैचिंग फंक्शन में यहाँ चेक कर लूँगा कि अगर ए ओपनिंग है तो बी भी इसका यहीं क्लोजिंग होना चाहिए, अगर ए स्क्वायर ब्रैकेट है तो बी भी स्क्वायर ब्रैकेट का ही क्लोजिंग होना चाहिए, अगर ए कर्ली ब्रेसेस का ओपनिंग है तो बी भी कर्ली ब्रेसेस का ही क्लोजिंग होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो स्टैक में से जो टॉप एलिमेंट है उसको रिमूव करो, और ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, राइट। तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा तो ओ ऑफ एन लग जाएगा हर एक को ट्रावर्स करने में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ओ ऑफ एन लग जाएगा, क्योंकि मैं स्टैक का यूज कर रहा हूँ तो ओ ऑफ एन तो हमारा लग ही जाएगा। तो चलिए मैं आपको कोड अब रन करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप डीएसए काफ़ी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना चाहते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प कर रहा होगा आपके प्लेसमेंट में, तो आप इस लिंक पर जाकर ले सकते हैं, आपकी काफ़ी हेल्प हो रही होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा से आपको बताया गया है हर एक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को। या फिर आप चाहते हैं नहीं यार मुझे जो डीएसए है वो वीडियो के थ्रू समझ में आएगा, तो आप जेएफजी के इस डीएसए को ले सकते हैं जो सी प्लस प्लस और जावा दोनों लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है, जो संदीप जैन सर खुद पढ़ाए हैं। अगर आप त्रिलोकी 10 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, और आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, व्हाट्सएप ग्रुप का आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ भी हमसे कनेक्टेड हैं। तो चलिए मैं आपको कोड अब रन करके दिखाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा आपको कोड अब रन करके दिखाऊंगा। तो ए है हमारा सी प्लस प्लस का कोड जो मैंने आपको दिखाया, सेम टू सेम वही कोड है, ठीक है, बस इसमें हमने क्या किया, हमने यहीं पर चेक कर लिया है, अलग से फंक्शन नहीं बनाया, मैं सिंपली कर दूंगा सबमिट पर क्लिक, दोनों का दोनों जो कोड है सेम टू सेम एक ही कोड है, राइट, बस इसमें हमने क्या किया, यहीं पे चेक कर लिया, अलग से फंक्शन नहीं बनाया, उसमें हमने अलग से एक मैचिंग का फंक्शन बनाया है, ठीक है, और ये हमारा है जावा का कोड, देखो इसमें हमने क्या किया, अलग से फंक्शन बना दिया, ठीक है, मैं इसको भी सबमिट कर दूंगा। अगर आपको कंटेंट सच में पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको समझ में आया है तो, अगर नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे अच्छा आई डोंट थिंक कोई समझाया है, आपको समझ में गारंटीड आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।